Dear students, Unit 1 Macroeconomics, National Income and its Aggregate का Lecture number 3 start करते हैं Topic के साथ The Problem of Double Counting. Double Counting का मतलब होता है एक ही product की value को बार बार count करना, एक से ज़्यादा बार count करना. Counting the value of a good or product for more than once. Like यहाँ पर example है, वहाँ से देख सकते हो. प्रोड्यूसर में अगर फार्मर है तो उसने वीट प्रोड्यूस किया 1000 का. मिलर ने फ्लोर प्रोड्यूस किया 1500 का. इसमें 1000 रुपीस वीट की वैल्यू आ चुकी है. बेकर ने प्रोड्यूस किया बिस्किट. अब बिस्किट में खुद की वैल्यू के अलावा वीट की वैल्यू और फ्लोर की वैल्यू आ चुकी है. अगर इसे वापस काउंट किया जाए तो दिस विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि मैं वीट की भी वैल्यू ले लूँ फिर उसके बाद फ्लोर की वैल्यू लूँ तो वीट की वैल्यू दूसरी बार इसके अंदर आ गई, और तीसरी बार मैं बिस्किट की वैल्यू को ऐड करूँ इन दोनों में तो मैं बार बार एक्चुअली इनकी वैल्यू को अलग से ऐड कर रही हूँ. तो इसे बोलते हैं डबल काउंटिंग, मतलब काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड. एक ही गुड है एक्चुअली, उसकी वैल्यू बार बार काउंट हो रही है. फाइनल गुड कौन सा है? बिस्किट. तो उसके अंदर उसके रॉ मटेरियल्स की या उसके प्रीवियस वाले प्रोड्यूस्ड गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी आ रही है. इसे ही बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. इसे अवॉइड करने के लिए दो मेथड्स हैं, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, जिसको कि प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं अपन. तो फाइनल आउटपुट मेथड, आप फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू देख लो, प्राइस देख लो, रुपीस में रख देते हैं इसको. तो जो 2400 रुपीस आए ये एक्चुअली आंसर है आपका बिना डबल काउंटिंग के, है ना. बिना डबल काउंटिंग के जो आंसर आया आपका वो एक्चुअली आंसर फाइनल आउटपुट मेथड आपको बता रहा है. यानी कि आप सीधे फाइनल प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट को तीन बार बनाए पर फाइनली इसका क्या हुआ, ये बिस्किट्स बन गया. अगर इसको और आगे बनाते, कुछ और बनाते इसका, तो वो फाइनल होता. पर फिलहाल यहाँ पर तीसरी स्टेज पर ही जो प्रोडक्ट आया है ये फाइनल प्रोडक्ट है. अगर वैल्यू एडेड मेथड की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. तो सपोज करते हैं अपन वैल्यू ऑफ आउटपुट वीट के केस में फार्मर की है 1000. इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कोई रॉ मटेरियल अपन काउंट नहीं करते, तो फाइनली इसका वैल्यू आ गया 1000. अब इस वीट को मिलर ने खरीदा फार्मर से, है ना, 1000 में. अब इसने इसको बना दिया 1500 का टोटल वर्थ, पर एक्चुअली सिर्फ फ्लोर की वैल्यू काउंट करें तो कितनी है? 1500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या जो वीट परचेज किया उसके माइनस कर दो वैल्यू, 500 रुपये, ठीक है. फिर उसके बाद इस फ्लोर को बेकर ने खरीदा बिस्किट्स बनाने के लिए, उसने इसको एक्चुअली वैल्यू ऐड करके फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू दे दिया 2400. पर इसमें एक्चुअली वीट की भी वैल्यू है और इसमें फ्लोर की भी वैल्यू है. हम कैसे माइनस कर दें? हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर उसे माइनस कर दें तो हमें बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी, परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी बिस्किट की, जो कि 900 है. बस अब आप इन तीनों को ऐड कर लो, तीनों स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू, फाइनल वैल्यू को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 2400. तो दोनों मेथड हमें सेम आंसर देंगे, चाहे आप फाइनल आउटपुट मेथड से फाइनल प्रोडक्ट देख लो या फिर आप वैल्यू एडेड मेथड से वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके इसकी वैल्यूज निकाल लो पहले और फिर उसके बाद फाइनली इसको ऐड कर दो. तो ये आपका हो जाएगा मेथड नंबर 2, वैल्यू एडेड मेथड. आई होप इट इज क्लियर. यू मे टेक द स्क्रीनशॉट और यू मे टेक द नोट्स.